E la cima sono andato. E sai quello io figlio, non dire. Grande la parte della salvata. Ciao da sostanza e poi viene con lei. Arine per l'incarnevala e scumano muore, si c'è una tia. Imam Ahmad bin Hanbal jaisi zaat yazid ko kafir bole kafir phir bhi hamare imam sarkar imam e azam Abu Hanifa rahmatullah ne ehtiyat ka daman pakad ke rahe bole gumrah hai bole magar imam Ahmad bin Hanbal aur digar aima ikram to bole kafir hai bole yazid kafir kafir phatakne bhi nahi ke us islam ki safon mein itni dur nikal ke fekne bole kafir hai bole मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों इतने बड़े बड़े कौन है इमाम अहमद बिन हंबल सरकार इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बुखारी शरीफ को मुकम्मल तौर पर जमा कर दिया हदीसों को हदीसें पूरी तहरीर हो गई किताब की शक्ल बन गई मदीने पाक में बैठकर सरकार की गुम्बद खजरा शरीफ के साये में बैठकर इमाम बुखारी ने यह काम किया बुखारी शरीफ की तदवीन का काम वहां से निकले इमाम अहमद बिन हंबल के पास तशरीफ लाए इराक आए सरकार इमाम अहमद बिन हंबल को बुखारी शरीफ दे दिया लेकर कहा है इमाम अगर आप कहते हैं कि हदीसें वाकई तौर पर हक है साबित है तो मैं इसे अवाम में फैलाता हूँ अगर आप राजी नहीं है तो एक जमीन में गड़ा खोलकर इसको दफन कर दे सरकार इमाम अहमद बिन हंबल ने इमाम बुखारी को इजाजत दी कि वाकई इसके अंदर की एक एक हदीस हक पर है तब उसके बाद इमाम अहमद बिन हंबल के हुक्म पर इमाम बुखारी ने उसे दुनिया में फैलाया इमाम बुखारी जिसे अपना आका अपना दाता अपना शाह मौला मानते हैं उस जात अक्दस का नाम इमाम अहमद बिन हंबल है वो इमाम अहमद बिन हंबल यजीद को काफिर कहते हैं और हमारे बट्टे सरकारी की दुकान लगा कर यजीद तो जन्नती है भाई साहब बेटा बेटा जो बात इमाम अहमद बिन हंबल को समझ लेते हैं इमाम अहमद बिन हंबल कौन 7.5 लाख हदीसों के हाफिज थे साढ़े सात लाख हदीसों के हाफिज किसी ने भी 1400 साल की तारीख में यजीद को रहमतुल्लाह अलैह यजीद को जन्नती नहीं कहा आजकल हमारे पास पट्टे हैं यजीद को जन्नती 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 रहमतुल्लाह अच्छा मैं पूछा यजीद जन्नती है तुम्हारे कैसे मालूम देख क्या है हमारे को हमारा खुद का पता नहीं मालूम यजीद के बारे मालूम देखो एक बड़ा लतीफा का समझाता हूँ सुन लो बहुत बढ़िया समझ है भाई किसी कोई आदमी किसी को भी दुनिया में जन्नती नहीं बोल सकता बोल सकता यहाँ जन्नती कौन है कि हाथ उठाओ हाथ उठा दिया तो जन्नत खतरे में पड़ जाती कौन जन्नती है नहीं बोल सकता मेरे भाई जन्नत में जन्नती होने का फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पास रखा है कि जन्नती कौन है मौला जानता है ये डिक्लेरेशन अल्लाह ने दुनिया के लिए नहीं रखा है मौला ने ये डिक्लेरेशन खबर में भी नहीं रखा है ये डिक्लेरेशन ये जजमेंट बरोज़े महशर आएगा मुस्तफा जाने रहमत शफात फरमाएंगे जो जन्नत में जाने वाला है जन्नत में जाएगा तब पता चलेगा ये जन्नती है ये जन्नती है इसीलिए कोई शागिर्द अपने उस्ताद तो कह सकता है मुफ्ती तो कह सकता है अल्लामा तो कह सकता है इंजीनियर तो कह सकता है डॉक्टर तो कह सकता है मगर जन्नती कह सकता कोई मुरीद अपने मुर्शिद को पीरे कामिल तो कह सकता है रहबरे शरीयत तो कह सकता है रोशन जमीर तो कह सकता है वलिए कामिल तो कह सकता है हादी व रहनुमा तो कह सकता है मगर जन्नती इसीलिए मुसलमानों के कब्रिस्तान में जाओ जहाँ एक अंदाज खबरें तुम्हें मिलती हो वैसी खबरों पे ढूंढते फिरो मुर्दों के नाम के साथ डॉक्टर भी लिखा हुआ होगा इंजीनियर भी लिखा हुआ होगा लीडर भी लिखा हुआ होगा तबीब भी लिखा हुआ होगा हकीम भी लिखा हुआ होगा रहमतुल्लाह ने लिखा हुआ होगा रजी अल्लाह अन्हु लिखा हुआ होगा मरहूम लिखा हुआ होगा मगर खुदा की कसम किसी के नाम के साथ जन्नती खबर की तख्ती पर भी लिखा हुआ क्योंकि ये जो जन्नती होने का फैसला है रब ने अपने पास अपने लिए उठा के रखा है खुदा की कसम दोस्तों अब यजीद को जन्नती कहने वालों अगर थोड़ी भी शर्म जिंदा है तो जरा सोचो तुम किस बुनियाद पर यजीद को जन्नती कहते हो मगर मेरे पास शर्म है मेरे पास हया है इसलिए मैं सीना ठोक के कहता हूँ तेरा यजीद
نام سے پہلے ان کے جنتی جوانوں کے سردار ہونے کا اعلان پہلے کیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ امام حسین کو جنتی بھائی نہیں بول رہے، حضرت سید محمد محمد الحسینی صاحب قبلہ نہیں بول رہے، میرے دادا ہے جنتی ہے، ایسا نہیں بول رہے۔ امام حسین کو جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کا سردار ہم نے تم نے نہیں بولا، ان کے پیدا کرنے والے رب نے بولا ہے، پیدا کرنے والے رب نے بولا ہے، فرشتے کے ذریعے سے پیارے مصطفیٰ کے پاس یہ خوشخبری بھیجوایا ہے۔ فرشتے جا کر ذرا کہتے ہوئے مصطفیٰ سے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اب ایک بات ہے، حسین کا دشمن کون؟ یزید، حسین کا دشمن۔ تو اب حسین جنت میں رہیں گے تو دشمن جنت میں ساتھ میں رہتا؟